SWFI के आह्वान पर ठेका श्रमिकों का सम्मानजनक वेतन समझौता सहित अन्य मांगों पर 25 मई को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के निर्णय अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को BSP के मेन गेट में पर्चा वितरण किया गया। पर्चा वितरण के दौरान हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू ने भी भागीदारी की। ठेका श्रमिकों को एस ग्रेड के बराबर न्यूनतम वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा कार्यस्थल में रोजगार गारंटी, समान काम समान वेतन, ठेका श्रमिकों को भी रात्रि पाली भत्ता सहित अन्य वाजिब मांगों को पूरी करने हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू ने BSP के मेन गेट पर वितरण किया। सेल की तमाम इकाइयों में लगभग 80,000 के लगभग ठेका मजदूर हैं, जो नियमित कर्मचारी से जिनकी तादाद ज़्यादा है। नियमित कर्मचारी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम करने वाले ठेका मजदूर आज उनकी हालत बदते बदतर है। वेतन न देना, वेतन से उगाही, काम से बैठाना, NGCS में दिल्ली में ठेका मजदूरों के सम्मानजनक वेतन समझौता पर 3 बार बैठक हो चुकी है, उसके बावजूद बैठक बेनतीजा हुई, जिसके कारण तमाम ठेका मजदूरों में आक्रोश है। उसी परिप्रेक्ष्य में 25 मई को SWFI के आह्वान में तमाम सेल की इकाइयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन है, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेन गेट में पत्र वितरण किया गया। तमाम मजदूरों और नियमित कर्मचारियों से आह्वान किया गया कि 25 मई को इक्विपमेंट सेक्टर 1 में जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को सफल बनाएं, मजदूरों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाएं, ताकि नियमित कर्मचारी के बराबर का वेतन, सम्मानजनक वेतन जो था ठेका मजदूरों को मिल पाए, उनका शोषण खत्म हो पाए, उनके संपर्क पर लगाम लगाई जाए। मैं योगेश कुमार सोनी, हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन CITU महासचिव।